अस्सलाम वालेकुम हुजूर, ये जो हदीस अल ईमान अल ईमान बैन अल खौफ व रजा इटर बेखक, इस हदीस की ये तफसीर हुजूर की खिदमत में पूछ रहे हैं कि अल ईमान बैन अल खौफ व रजा, ईमान में दोनों बातें होती हैं। एक तो हकीकी ईमान के नतीजे में इंसान को अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है और ये यकीन कर लेता है कि अगर वहाँ पकड़ा गया खुदा के अजाब से फिर मुझे कोई भी नहीं बचा सकेगा। और रिजा होती है उम्मीद, रहमती वसीयत कुल्ला शैन का जो वादा है उस पर नज़र करके इंसान ये दुआ करता है कि अल्लाह मुझ पर रहमत फरमा और मुझे बख्श दे। तो ये ईमान जो है बैन अल खौफ व रजा दोनों में वाक़िया हुआ है। ये खुदा ताला का जो खौफ है उसका भी ईमान समझ लेना चाहिए, वो जानवर के खौफ की तरह का नहीं है। अगर एक सांप को आप बिल से निकलते देखें फिर घुस जाए उसमें आप उंगली नहीं डालेंगे डर के मारे कि वो काट ना ले, और उससे वाशी जानवर से आप दूर भागेंगे। और अल्लाह ताला से डरने का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह ताला से दूर भागें, बल्कि शैतान से दूर भागें और अल्लाह ताला की पनाह में आएं। खुदा ताला की नाराज़गी का खौफ, इसको खुदा ताला का खौफ कहते हैं।